7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के एक पोलिंग बूथ से वोट डालकर जनता से मिलने निकले। मोदी की झलक के लिए लोग बेताब थे। इस दौरान पीएम मोदी बच्चे, जवान, बूढ़े सबसे रुक रुक कर मिलने लगे। पीएम ने किसी को हाथ में ऑटोग्राफ दिया, किसी की बनाई गई पेंटिंग्स पर ऑटोग्राफ दी और तो और नन्हे बच्चे को गोद में खिलाया भी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने एसपीजी कमांडो को फटकार लगा दी। दरअसल हुआ यूं कि पीएम रानीप इलाके में निशान पब्लिक स्कूल में बने मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद पैदल चल रहे थे। सड़क किनारे खड़ी भीड़ का अभिवादन करते उनकी नजर एक बच्ची पर पड़ी। वो उसके करीब गए तो एक बच्ची ने पीएम का हाथ पकड़ लिया। पीएम के साथ साथ चल रहे एसपीजी के जवान ने फुर्ती दिखाई और तुरंत हाथ छुड़वाने के लिए आगे बढ़ा। तभी पीएम ने उसे रोका और फटकार लगा दी। एक बार ध्यान से देखिए ये वीडियो। बता दें, जिस बच्ची से पीएम मिले वो दिव्यांग थी, देख नहीं सकती थी। वहां मौजूद लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए खड़े थे, लेकिन वो पीएम से अपने मन की बात कहना चाहती थी। वो शायद पीएम से मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती थी। ऐसे में जब पीएम करीब आए तो उस बच्ची ने पीएम का हाथ पकड़ लिया और अपनी बात कहनी शुरू कर दी। आमतौर पर ऐसे केस में 1-2 सेकंड लोग पीएम का हाथ थाम सकते हैं, लेकिन वक्त बढ़ता देख कमांडो ने दखल देने की कोशिश की। ये खतरनाक भी हो सकता है। एसपीजी को ऐसी स्थिति के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। हालांकि पीएम की फटकारने पर वो सुरक्षाकर्मी पीछे हट गया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं मोदी जी ने दिल जीत लिया। किसी ने ट्वीट कर कहा, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे मोदी जी। रोड शो के दौरान जब एक विकलांग बच्ची को देखा तो मोदी जी खुद ही उसके पास गए, उससे बात की, उसे दुलारा। और जब बीच में सुरक्षा कारणों से एसपीजी जवान आया तो दिल हैक होते हैं, लोग इल्जाम ईवीएम को देते हैं। वहीं दूसरे ने ट्वीट कर लिखा, नरेंद्र मोदी जी आज जब मतदान करके निकले तब उनकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक आंखों से दिव्यांग बच्ची पर पड़ी। नरेंद्र मोदी तुरंत उस बच्ची के पास गए। उस बच्ची ने नरेंद्र मोदी जी का हाथ पकड़ लिया और रोने जैसे लगी। एसपीजी के जवान, जिन्हें अपनी ड्यूटी करनी होती है और जिन्हें ये सिखाया जाता है कि इस तरह जहां भीड़ का खतरा हो वहां उन्हें विशेष ध्यान रखना होता है। फिर मोदी जी ने एसपीजी के जवान से कहा, रिलैक्स रहिए, आप पीछे जाइए, ये यहां मुझे कुछ नहीं होगा। यही मानवीय पहलू नरेंद्र मोदी जी को सब नेताओं से अलग करता है। बता दें, सुबह जब पीएम मोदी मतदान केंद्र पर पहुंचे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद थे। शाह गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान केंद्र तक जाते समय मोदी ने लोगों का अभिवादन किया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।